सासाराम गांधी स्मारक के पास हनुमान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था आज की गई। श्री राम सेवा संस्थान के बैनर तले श्रद्धालुओं तथा जरूरतमंदों के लिए यह लंगर की व्यवस्था प्रत्येक शनिवार की तरह आज भी की गई। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालु सहित जरूरतमंद असहाय लोगों के लिए लंगर के साथ साथ वस्त्र तथा खाने पीने का सामान भी वितरण किया जाता है। संस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा करना है। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालु शरीक होते दिखे। उद्देश्य है कि यहाँ जितने गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको कम से कम सप्ताह में एक दिन भोजन मिल जाए, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। यह कई सालों से चल रहा है। हम लोग बीच बीच में कभी कभी कंबल, वस्त्र ये सब भी वितरण करते रहते हैं। प्रत्येक शनिवार को यह निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। हम लोग का संस्था जय श्री राम सहयोगी संस्था, मोहल्ला नायका गांव धर्मशाला, गांधी स्मारक नियर रेलवे स्टेशन, सुदर्शन होंडा शोरूम के सामने हनुमान मंदिर के पास प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है। यह सासाराम रोहतास जिले में। सासाराम से संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे एफपी पेज के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतर खबरों के लिए।